बच्चा होता है पिंपल्स पे आएगा, अभी मेरे स्किन पे वही मेरा भी नहीं आएगा, जहाँ पिंपल्स देखेगा वहीं पे आएगा ये। अब साल भर का जब से हो गया ना तो थोड़ा, अब एक महीने मैंने बताया। हाँ गाइस, ये हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का है। गाइस आप देख रहे हैं, मैंने ये मशीन को चालू कर दिया है यहाँ से ऑन ऑफ करके। आप देख रहे हैं, ये मैंने हाई पे नहीं रखा, मीडियम पे रखा है। आप देखेंगे इस पे ऑरेंज कलर का करंट दिख रहा है, दिख रहा है ना, करंट दिख रहा है। हाँ, अब मैं ना इसे जेल लगाया है मैंने क्लाइंट को फेस पे। ये पिंपल्स के लिए है ये मशीन। गाइस बैंड ट्यूब है ये, हाई फ्रिक्वेंसी मशीन में आती है बैंड ट्यूब, जो स्पेशली सिर्फ पिंपल्स के लिए और किसी स्किन के लिए नहीं है। और इसे मैंने क्लाइंट को जेल लगा दिया है। जेल के ऊपर इसको हमको करना, इसे टच नहीं करना है, जेल स्किन पे रहना चाहिए। इसे मैंने टच नहीं किया है। आप देखिए जो पिंपल्स रहेंगे उस पर ये ऐसे, देखिए जो एक्टिव पिंपल्स रहेंगे उस पर ये ऐसे अपना करंट पास करेगा। एक से दो बार एक पिंपल्स पे करना है आपको। जो एक्टिव पिंपल्स रहेंगे ना गाइज उस पर ही होता है, और ये पिंपल्स की स्किन पे ही करना है आपको। और एक इंच की दूरी रखनी है गाइज, स्किन से टच नहीं करना है इसको। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा क्लाइंट का स्किन, बट ये देखिए यहाँ पे दिखाना जूम करते हैं, देखिए इस पर कैसे शॉक दे रहा है, करंट पास कर रहा है। एक से दो बार ही करना है इस पे। देखा क्लाइंट, मैंने टच नहीं किया, सॉरी क्लाइंट को मैंने टच नहीं किया स्किन पे, ये टच नहीं करना है गाइस। और जेल रहना चाहिए क्लाइंट के फेस पे। हाँ, ये थोड़ा सा आपको रेडिश दिखेगा, इससे पिंपल्स आपको थोड़े ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये पिंपल्स थोड़े ऊपर आ चुके हैं। आपने देखा पहले मैंने मशरूम का मशीन यूज किया, उसके बाद मैंने ये बैंड ट्यूब यूज किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लाइंट का चेहरा। आप बोल देना कि थोड़ा उनको पिंपल्स ऊपर आएंगे, रेडिश होगा, घबराए नहीं, दो दिन में वो शांत हो जाएगा फिर। और इससे क्या होगा, जब ये मशीनरी हम यूज करते हैं तो इससे पिंपल्स जो रहते हैं ना वो तो जाते ही हैं, इससे दाग नहीं रहते, नहीं तो बहुत सारे ऐसे, और पोर्स ओपन नहीं रहते, नहीं तो बहुत लोग के पिंपल्स चले जाते पर पोर्स ओपन रहते हैं, इससे वो चीज़ नहीं होने वाली है गाइस। थैंक यू।